भूख लगी है? आ रहा बच्चा, तो सब्र रखो, सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। भूख लगी है, समोसा खा के इस बार पेट भर जाएगा इनका। अभी सीएस मिलो, सीएस और कुछ भी खिलाएगी। एक सुनो मेरी निशान, बच्चे इधर सुन ले, इधर बात नहीं करो, पीछे बात नहीं करो। ठीक है, स्टार्ट करें है? स्टार्ट ना करें? हाँ, आप तो जरूर लेंगे, फिर इसको दे दो, इसको डबल दे दो आज। ठीक है, देखो खातिर तो देखते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। देखो यहाँ पे जो बालाजी वाले भी देखते रहे, जो मैथ वाले भी देखते रहे, उनकी मतलब की चीज भी इसमें है। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, और इसके फाउंडर कौन थे? एलेक्स जेफरी। कौन थे? एलेक्स जेफरी। ठीक है, देखो और इंडिया की कौन है बताओ? इंडिया की कौन है फादर? अरे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का और किस चीज का? लालजी सिंह है ना। देखो यहाँ पे कह रहे, यहाँ पे नाम क्या? देखो एलेक्स जेफरी, याद रखना इसमें। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था एलेक्स जेफरी ने। किसने? एलेक्स जेफरी ने। ठीक है, इंडिया के जो है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे ही यूज सेटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब, उन्होंने सेटेलाइट डीएनए का यूज किया था एज ए प्रोब, दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब उसमें रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा होता है। इट वॉज कॉल वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब VNTR। क्या है VNTR? मतलब कितनी बार रिपीटेशन हुआ है किसी डीएनए में। वही रिपीटेशन मैंने बताया था कि जो पेरेंट्स में होता है बच्चे में रिपीटेशन सेम होते हैं। अगर रिपीटेशन सेम नहीं है तो मतलब गड़बड़ है, दया गड़बड़ है। यहाँ देखो इन द टेक्निक्स एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिक। यहाँ देखो जो इसमें हम लोग यूज करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। क्या हो गया? इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं कौन सा? सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। एड्स के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं है? एड्स के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इलाज बक
कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉट, एड्स के कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। और डीएनए के फिंगरप्रिंट में यूज करते हैं सदर्न ब्लॉट, मिक्स मत करना उसमें। आगे देखो, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द रेडियो एक्टिव वीएनटीआर एज ए प्रूफ, इट इंक्लूड। अब जो इसमें यूज करते हैं प्रोसेसर, उसको देख लो क्या क्या है। पहला, सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आप निकालिए, डीएनए को आप निकालिए, कोई भी सेल हो, कोई भी प्लांट हो, ठीक है, कोई भी लीव में आगे, उसमें क्या करेंगे, डीएनए को पहले निकालिए। दूसरा क्या करेंगे, देखो, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डाइजेशन का मतलब होता है काटना डीएनए को, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा होता है, इसलिए उस डीएनए को टुकड़े टुकड़ों में काट दोगे ऐसे, काटने को यहां बोलते हैं डाइजेशन। क्या नंबर टू, आपने डीएनए को निकाला, डीएनए निकालने का तरीका क्या होगा, सेल के सबसे पहले सेल वाल का माल प्लांट से निकाल रहे हो, सबसे पहले सेलेज यूज करोगे ताकि सेलोस सेलोस डाइजेस्ट हो जाए। फिर क्या यूज करोगे, प्रोटीन के लिए अलग से यूज करोगे प्रोटीजेस, अलग अलग एंजाइम यूज करके लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, डीएनए। डीएनए कितना, अगर ह्यूमन की बात करें 2.2 मीटर, तो बड़ा डीएनए होता है, इसको स्टडी करने के साथ काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्या करेंगे, टुकड़ों में काट लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक है, मोटी सी बुक है, हमने क्या किया उसको 10 यूनिट है, 10 यूनिट में काट कर लग कर लिया, और एक एक यूनिट जहां पे गए दबा लिया, पीछे जा रहे हैं आप पे खोल कर आराम से पढ़ रहे हैं, मोटी बुक होगी तो कहाँ दबा पाओगे, नहीं तो पतली पतली कई पार्ट में टुकड़ों को काट लेते। बिल्कुल वैसे ही है, पढ़ने में कंफर्टेबल होता है जैसे बुक, पतली पतली वैसे ही कंफर्टेबल होता है स्टडी करने में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े। तो टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है, डाइजेशन ऑफ डीएनए। कौन सा एंजाइम बताओ, इसको मार्कुलर सीजर भी बोलते हैं, क्या मार्कुलर सीजर, ठीक है। और देखो, अच्छा, काटने के लिए डीएनए है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जोड़ने के लिए लाइगेज। यहां देखो, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद क्या करना है, डीएनए के जो टुकड़े है उसको, ये पूरा नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, स्वाति कहाँ जा रही हो, ये लड़की जाने दो, हो गया। देखो अब क्या करें, देखो डीएनए को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बाहर निकाल लेंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्या अभी आगे बताएंगे। देखो, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, सच एज नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन। नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन का जो कंटेनर होता है इसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर करने को बोलते हैं यहाँ पे क्या, ब्लॉटिंग। क्या बोलेंगे, ब्लॉटिंग, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल वीएनटीआर प्रोब। वीएनटीआर प्रोब का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब इसको रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, क्या रिकॉम्बिनेंट, यानी कि जो डीएनए होता है उसमें आप प्लाज्मिड को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगला देखो क्या है, डिटेक्टेड ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से इसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं, ठीक है।
और कैन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोन इन द फिगर, फिगर इसके बारे में दिखाया गया है। ये तो खैर स्टेप की बात रही। दूसरा देखो कहते विंटीआर बिलोंग टू द क्लास ऑफ सेटेलाइट डीएनए, जो विंटीआर होता है वो सेटेलाइट डीएनए से बिलोंग करता है, रिफर टू एज मिनी सेटेलाइट। हमने दो टाइप के बताए थे, एक बल्क डीएनए होता है, दूसरा जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट। खास बात क्या है कि इनकी स्टेनिंग नहीं होती है, दूसरी खास बात यह है कि ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इनकी मदद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। याद रखो कह रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं मिनी सेटेलाइट, रिफर टू एज मिनी सेटेलाइट। ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड रैंडमली इन मेनी कॉपी नंबर, बहुत सारे कॉपी नंबर में ये अरेंज होता है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, कह रहे कि क्रोमोसोम जो कॉपी नंबर होता है अलग अलग होता है, एक इंडिविजुअल बात कर रहे हैं इन एन इंडिविजुअल। द नंबर ऑफ रिपीट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ वीएनटीआर, यहां से मार्क कर लेंगे जो वीएनटीआर का साइज होता है कितना होता है 0.1 से कितना है 20 केबी होता है, 0.1 से 20 केबी होता है, मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है वीएनटीआर का साइज। जैसे आपका जो पेन ड्राइव होता है उसकी एक मेमोरी होती है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है, वैसे यहाँ पे इसकी भी कैपेसिटी होती है। तो 0.1 से कितना 20 केबी है ना, कितना 20 केबी। तो सदर्न ब्लॉटिंग याद रखिएगा, यहाँ देखो द कॉपी नंबर ही तो हो गया, यहाँ पे वीएनटीआर साइज रखिए 0.1 से कितना 20 केबी, कितना 20 केबी। After hybridization with VNTR probe, the auto radiogram gives many bands of differing size. Different size आपको दिखाई देंगे। These band give a characteristic pattern of the individual DNA. It differ from individual to individual in a population, except case of monozygotic twins. ये क्या है? DNA fingerprinting के concept जो है twins के लिए applicable नहीं होता है। देखी जाएगा तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ जेनेटिक मटेरियल जो पैटर्न होगा ना वो सेम होगा, लेकिन जो ट्विंस होते दो टाइप के होते हैं, एक डायजैगेटिक दूसरा डायजैगेटिक वाले केस में पता कर सकते हैं क्योंकि जायगोट अलग है, मोनोजायगेटिक वाले केस में अलग क्योंकि दोनों जेनेटिक कंपोजिशन क्या है सेम। जुड़वा लोगों में अगर कोई मर्डर करेगा, एक भाई कर देगा दूसरा भाई पकड़ा जाएगा, प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे कि हमने नहीं किया है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसको मैच कर जाएगा, पास में कुछ तो मोनोजैगेटिक ट्विंस को छोड़ के बाकी हर जगह अप्लाई करते हैं। मोनोजैगेटिक ट्विंस के लिए अलग होता है, पॉलीग्राफी होते हैं, बहुत सारे अलग टेस्ट भी होते हैं, उसकी मदद से दोनों का बिहेवियर अलग होता है, उसके बेस पर टेस्ट कर सकते हो। खैर करें दस ध्यान रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोनोजैगेटिक ट्विंस में ये अप्लीकेबल नहीं होता। पूछ सकता आपसे कि मोनोजैगेटिक ट्विंस में जेनेटिक कंपोजिशन सेम होता है इसलिए यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं, बाकी हर जगह आप इसको लगा सकते हो। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की मदद से हम लोग इसका इसकी टेक्निक को और बढ़ा सकते हैं। पीसीआर यू विल स्टडी अबाउट इट इन चैप्टर 11, आगे बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज इनफ, एक सिंगल सेल का डीएनए मिल जाए और वही काफी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए बहुत बड़ा डीएनए या बहुत ज्यादा डीएनए जरूरत नहीं, एक सेल ही काफी है। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक, और इसका यूज हम लोग करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं क्या FMT, ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। जब आप पढ़ोगे पूरा फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पूरा होता है, पूरी जहर पूरी मेडिसिन सब इसमें स्टडी करते हैं हम लोग, क्योंकि आप पेशेंट पढ़ोगे कि भाई उसकी डेथ हो गई है और मेडिको लीगल में केस हो गया, तो वो उसकी डेथ कैसे हुई है, कौन सा जहर खाया, कितने बजे खाया, कैसे उसको मारा गया, सारी चीज़ें आपको इसमें निकल के आ जाएगी। देखो आगे ये सब आप फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़ोगे। देखो जैसे यहाँ पे एक केस दिया गया है, देखो जैसे सपोज दैट देखो एक पहला केस दिया है पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे दो सैंपल मिले हैं, ठीक है, कितने हैं दो सैंपल है। यहाँ देखो दिया गया है
डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, एक कोई मान लो व्यक्ति है ए है, दूसरा व्यक्ति है मान लो बी है, ठीक है। अब वो क्या है, यहाँ पे जो जहां पे कोई क्राइम सीन हुआ है वहां जो सैंपल मिले उसका पैटर्न ये है, जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे सैंपल मिला, ब्लड मान लो मिल गया है, ठीक है, बाल टुकड़ा मिल गया, तो वहां पे सैंपल लेना, उसको जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भेजा गया है, फॉरेंसिक टीम भेजेगी, उसका पैटर्न ये निकल के आया। देखो नंबर ऑफ शॉर्ट रैंडम रिपीट, कितनी बार रिपीट, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार रिपीटेशन है इसमें। हमने क्या बताया, रिपीटेशन के बेस पे ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब करे यार देखो, ये क्रोमोसोम नंबर 7 चेक किया, क्रोमोसोम नंबर 2 चेक करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 है क्रोमोसोम नंबर, इस पे 2 पे। क्रोमोसोम नंबर 16 चेक किया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 3-4 सैंपल ले लेते हैं क्रोमोसोम अलग अलग लेके, तो क्राइम सीन पे हमें ये मिला। देखो लिखा हुआ है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग गेस करते हैं कि किसने मर्डर किया होगा, याद करिए मैंने बताया था ऐसे पढ़ाने मिले तब क्या रहे, पूरी जिंदगी 24 घंटा पढ़ाते रहे, खाने में उतर रहे। देखो देखो मान लो बताया कि भाई एक पड़ोस के हैं, उन्होंने धमकी देके गए थे कल कि देख लेंगे तुमको निपटा देंगे, कहीं भी छिप जाओ, हमको लगता है वही मारे होंगे, पुलिस पकड़ लाएगी, उनका डीएनए टेस्ट कराएगी, जब डीएनए टेस्ट कराएगी पता लगा उनका मैच ही नहीं किया, बेकार ये नहीं कोई और है, दूसरे पकड़ रहा है कि बता के और कोई धमकी तो नहीं दिया है, याद करो ध्यान से याद करो, इसी महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, हाँ एक लोग और थे वो भी धमकी दिए थे, वो पड़ोस वाले गांव से थे, उनको पकड़ लाए पुलिस, उनका सैंपल कराया उसका ना निकला, ठीक। इस तरह से करते करते ये देखो एक इंडिविजुअल ये मान लो है, एक इंडिविजुअल ये है, ठीक है। इस इंडिविजुअल में जरा देखो आप ध्यान से, क्रोमोसोम नंबर 7 यहां भी है, क्रोमोसोम नंबर 7 यहां, सबका क्रोमोसोम नंबर 7 ही चेक किया जाएगा। जो क्राइम सीन वाला था वहां पर रिपीटेशन कितनी बार था, 11 बार, यहां देखो कितनी बार है, 3 बार। इसने क्राइम किया है क्या, नहीं किया इसने, यहां जाओ यहां देखते हैं तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या मैच कर रहा है क्या, इसका मतलब मर्डर इसी ने किया है, तो इनको ले जाया जाएगा, फिर निपटा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, जो जो ना हो, फांसी तो आजकल होती नहीं है, गुंडे नवारी सब तो वापस आ जाते हैं, फांसी से नहीं होती। देखो फांसी किसको होती है, जो बिस्किट चोर होगा, रोटी चोर होगा उसको होता है, क्रिमिनल को फांसी नहीं होती इंडिया में। देखो इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन जेनेटिक्स डाइवर्सिटी, मैनी डिफरेंट प्रोब आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कुछ समझा, बार बार प्रोब आ रहा है, प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, क्या बोलो ब्रो, डीएनए कोई भी डीएनए टुकड़ा हो उसमें क्या लगा दो, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अटैच कर दो तो क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रोब। जब आपको बायोटेक पढ़ाएंगे तो वहां इसके बारे में फिर से बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल आएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो ये समझ आया, ये वाला आपको इसमें आया पैटर्न, ठीक, वैसे इतना बड़ा डायग्राम बना के आपको देने वाला नहीं है, हाँ इस पे केस लेके बना सकते हैं कि रिपीटेशन यहाँ पे इससे मैच कर रहा है, इसमें क्रिमिनल जो है क्राइम किसने किया है, ऐसे आ सकता है कुछ, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे 38 चैप्टर में से सबसे इकलौता चैप्टर इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना, क्वेश्चन सारे इसके कर डालना। अब आ जाओ इसमें समरी में, नहीं है कुछ, आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन 3 कर लिया, कर लिया, अरे यार 3 वाला ये,
देखो राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। ये दिया क्या है, द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोस। अच्छा ये देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां लिख दिया सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लिंक बनाना है, इसका क्या बनाना है, इसका मतलब एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इसका बनाना क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, बना सकते हो ए के सामने टी, जी के सामने सी, और चूंकि एमआरएनए में टी होता नहीं तो क्या कर दोगे यूरेसिल, कर लोगे, कर लोगे, नहीं कर पाओगे बताओ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। देखो यहां देखो क्या लिखा है, ए लिखा है तो इसके सामने टी आता है, लेकिन करो क्या यू, और टी के सामने ए, जी के सामने सी, ऐसे बना दो बन जाएगा है? यहां देखो नीचे वाले में यहां दिया है कोडिंग स्टैंड, यहां क्या करोगे, जहां जहां लिखा है टी वहां वहां लिखोगे, इसमें आया आ गया, ये देखो सर ये टी लिखा है ना, क्या करोगे यहां पे यू, टी लिखा है यू, टी लिखा है यू, टी लिखा है यू, बन गया रेडी, समझ गए, बन गया इसका। कोडिंग से करना हो जहां टी लिखा है वहां यू लिख दो, टेम्पलेट से करना हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, जैसे देखो ए के सामने टी आता है तो क्या करोगे यू, टी के सामने ए आता है, जी के सामने सी आता है, सी के सामने जी आता है, ऐसे करते चला जाओ, कोई दिक्कत कर लोगे, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है भाई करना, कोई दिक्कत बताना इसे, चले क्या बच्चे अरे यार हद हो गई, इसका बनाना क्या है आपको, देखो इसका बनाना है आपको राइट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री इसका बनाना है बताओ हैं क्या चीज, हाँ बिल्कुल, अरे बच्चे स्ट्रेंथ डीएनए का ही दिया हुआ है, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, डीएनए के दो स्ट्रेंथ होते हैं, एक स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, सुन लो मेरी बात सुन लो, इसका मतलब जो दिया है क्या दिया है टेम्पलेट दिया है, मैं कुछ ऊपर वाला आपको टेम्पलेट दिया है, नीचे वाला कोडिंग सीक्वेंस दिया, दो ही तो होते हैं क्लियर, और दोनों से मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत सन बोलो शांत हो गए, अरे बच्चे डीएनए से आरएनए ही तो बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन ही तो करना है, क्या लिखा है देखो, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए इज रिटन एज फॉलोस राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम 3 प्राइम, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, मतलब क्या इसका मतलब, डीएनए से मारने की बात कर रहा है, बस है कुछ ये कह रहा है, दूसरा कह रहे यहां देखो दूसरा कह रहे दूसरे वाले में क्या बताया कि द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है आपको ट्रांसलेशन यूनिट का, ठीक है, और क्या बनाना है इसका एमआरएनए बनाना है, पास में कुछ दूसरी बात कर रहे हैं यहां पे, अच्छा एक चीज और देखो यहां पे, हां सही, ये जो स्टैंड दिखा हुआ है ये आपको लिखा है कि स्टैंड दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना, मतलब सही कह रहे हो, ठीक है, मतलब डीएनए की स्टैंड दिया हुआ है इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, ये है, ये चीज अलग है और ये अलग है, यहां पे डीएनए की एक स्टैंड दी ना, इसका दूसरा स्टैंड बनाना है, ठीक है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम चलोगे तो दूसरा स्टैंड क्या करोगे, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा, और यहां जहां पे ए लिखा हुआ क्या कर दोगे टी कर दोगे, यहां नहीं बन दोगे, सही बात है, ये एक डीएनए का स्टैंड दिया हुआ है, आप डीएनए का दूसरा स्टैंड बनाना, ये मतलब है कहने का, है ना क्लियर, यहां जो दिया है ये चीज अलग है, यहां देखो क्या लिखा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, यहां पे डीएनए का एक स्टैंड दिया है वो है कोडिंग वाला, उससे बनाना आपको एमआरएनए, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है सही है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, 20% इसमें साइटोसिन कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए, कर लोगे तो आसान है, ए इक्वल टू टी, जी इक्वल टू सी, निकाल लोगे और पूरा कितना होता है 100, क्लियर, तो निकाल लेना, निकल जाएगा, अगर दे दिया है डबल स्ट्रैंड डीएनए है और साइटोसिन दे दिया है 20%, तो ग्वानिन कितना होगा, अरे ग्वानिन कितना होगा, अरे हद हो गई यार, 20% साइटोन है बच्चे, साइटोसिन, ये देखो इधर, बच्चे 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 20% साइटोसिन है, ए इक्वल टू होता है टी, जी इक्वल टू होता है सी, जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन,
अगर साइटोसिन दिया कितना 20% है ना, तो ग्वानिन कितना हो जाएगा 20, तो 20 कितना होगा 40, बाकी क्या बचा 60, 60 में 30 हो जाएगा, समझ गए? ऐसे ही है, एक दे देगा बाकी आपको निकलवाएगा, कोई दिक्कत बच्चे लोग? आगे बढ़े, यही क्वेश्चन आएगा कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन बाकी करिए, कोई दिक्कत बताइएगा फिर आप। अब आ जाओ आगे, अब अच्छे क्वेश्चन बताओ। अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर ले, जब पेपर ले आओ मैम से, एक ही है क्या? ला बताओ क्वेश्चन बताओ, एक ही है। हा आर्किड, कोई दिक्कत है क्या ऑप्शन का? कोई मैच नहीं कर रहा है, ऐसा है? कोई मैच नहीं कर रहा है? अच्छा सुनो इधर, सुनो इधर, ये जो ऑर्किड होता है, सुन ले कोई बात नहीं है, देख लेंगे, कोई गड़बड़ हो देख लिया जाएगा। जो ऑर्किड होता है क्या होता है, पक्का है? कैसे कैसे ऑर्किड मिश्र, जब हमको ही बता दो ऑर्किड क्या है, कैसे करता है मैंगो प्लांट के साथ में, है बताओ, सीखा? मिजोरम कहां जाए बच्चे, मिजोरम कहां लिखा है? ऑर्किड जो है, इधर सुनो मेरे बच्चे, मैंगो के प्लांट पे ग्रो करता है। हाँ मैंगो, देखो मैंगो किससे कोई फायदा नहीं है, फायदा किसको है? ऑर्किड को, तो एक को फायदा दूसरे को कुछ ना हो, क्या बोलेंगे इसको? मैं कुछ, हाँ बच्चे सारे एग्जाम्पल सीख है। प्रभात कहाँ गया? प्रभात है कहाँ गया? क्यों हाँ बता बच्चे, ये इवोल्यूशन निकाला है? इधर बात नहीं, बात इधर बच्चे देखो, इधर अगले चैप्टर हमारे पास है, इसको करते रहे, जो पूछते रहना। इवोल्यूशन देखो यहां पे, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, अरे मेरे बच्चे सुन लो इधर, और फिर तो पढ़ लेना कर लेना, कोई दिक्कत पूछना। यहां देखो अगले चैप्टर हमारे पास कौन सा है, इवोल्यूशन, और इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म और थ्योरी के बारे में, What are the evidences of evolution? What is adaptive radiation, Barsow evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution, origin and evolution of man. ठीक है, देखो कह रहे कि evolutionary biology is the study of history of life form on earth. आपको याद करिए, हमने हमने बताया था आपको biology definition होती है, क्या है biology definition बताया था, this is study of life form and living process. यहाँ क्या लिखा है, evolutionary biology is the study of history of लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ये हो जाएगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस दैट विल बी द बायोलॉजी। क्या हुआ, चेक कर रहे हो? चेक कर लो, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, देखो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड फॉर्म ऑन अर्थ, इसमें लाइफ फॉर्म लिविंग प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। व्हाट इज इवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड द फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। फ्लोरा समझते हो, प्लांट का टोटल एक पार्टिकुलर एरिया में प्लांट कितने रहते हैं, दैट इज ए फ्लोरा। एक पार्टिकुलर एरिया में एनिमल कितने रहते हैं, दैट इज फौना, फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टार का, एंड इंडीड इन यूनिवर्स इटसेल्फ। What follows the longest of constitute and conjecture story? बहुत ही अनोखी सी के बारे में कहानियां हैं। This is the story of origin of life, origin of life form and biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background. इसमें कुछ नहीं है, आ जाओ नीचे।
When we look at a star on a clear night sky, we are in the way looking back in time. जब आप कभी यहाँ तो होता नहीं है, आप सितारे नहीं देख पाते हो, सूरज तक नहीं पहुंच पाते किसी घर पे, खासकर गांव के माहौल में जो रहता है, चारपाई बिछी रहती है, गर्मी का मौसम रहता है, ठीक, और चारपाई लिटे हुए हैं उधर इधर, वो देखो तारे, पता है जो बगल वाले मेरे दादाजी है, ठीक है, पहले ऐसे ही थे, उन्होंने बोला था कि हम जाएंगे तो बगल वाले जो स्टार है वो दादी जी है, उन्हीं के बगल में हम चले जाएंगे, होता है दादी जी के बगल में हम बैठ जाएंगे, और वो बगल वाले जो वो है वो मेरे ताऊ जी हैं, पिछले साल ही निपट गए थे, और बगल में है वो मेरे नाना जी है, और उनकी बगल में जो हाथ पकड़े हुए थोड़ा चमक रही है वो मेरी नानी जी है। मतलब क्या है, जब आप स्टार की तरफ देखते हो तो आप कहाँ चले जाते हो, भूतकाल में, पास्ट में सोचने लगते हो आप। ऐसा लोग मानते हैं कि जो स्टार होते हैं क्या है, आत्माएं हैं, यहाँ से मर मर के वहां इकट्ठे हो रही जाके, होता है ऐसा। तो कहने मतलब जब आप स्टार की तरफ देखते हो तो आप भूतकाल से जाते हो, पास में सोचने लगते हो। क्या देखो, When we look at a star on a clear night sky, we are in a way looking, clear night sky मतलब बादल बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा हो, तारे चमक रहे हो, साथ साथ चंद्रमा निकली हो। यहाँ देखो स्टिलर डिस्टेंस आर, ये तो पढ़ चुके हो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ चला आया भागते हुए, ठीक है। स्टिलर डिस्टेंस क्या मेजर करते हैं बताओ, जो बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगी, जो नहीं बताएगा उससे हम खा लेंगे, बोलो डिस्टेंस मेजर करते हैं, है? स्टीलर डिस्टेंस से क्या मेजर करते हैं, स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन ए लाइट ईयर, और लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है, किसकी है, डिस्टेंस, ठीक है, और किस में करते हैं, लाइट ईयर में, इसमें लाइट ईयर में। और देखो यहां पे, व्हाट इज इट टुडे, एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इट जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर back and from trillions of kilometers away from reaching our eyes. Now, when we see object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, we see star, we apparently are peeping into past. When we see star, we apparently are peeping into past. क्या मतलब है? Peeping मतलब होता है झांकना, झांक झुक करना, और उसी वाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि जब हम लोग स्टार की तरफ देखते हैं तो वास्तव में हम लोग क्या है, पास में सोच रहे होते हैं, भूतकाल में सोच रहे होते हैं, जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे होते हैं, बस ना कुछ, और स्टार से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो स्टार है वो क्या है, जो हमारे जो बुजुर्ग लोग जो मर गए हैं वहां पर जाके इकट्ठे हैं, ये तो है पीपिंग मतलब झांकना। देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, द यूनिवर्स इज वास्ट लिटरली स्पीकिंग, स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली स्पेक। अगर हम बात करें स्पेक मतलब टुकड़ा, अर्थ की बात करें यूनिवर्स से कंपेयर करें तो यूनिवर्स कंपेयर में अर्थ मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि मतलब क्या है, यूनिवर्स ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वास मतलब बहुत बड़ा है, और अर्थ उसके आगे क्या, छोटा सा टुकड़ा है। देखो आगे, तो यहां पे अभी तक ये ध्यान रखिए कि स्टेलर डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर मेजर करते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़ते उसमें हो गया है ना, जैसे यानी कि ऑलमोस्ट 20 बिलियन ओल्ड, यहाँ देखो ये जो यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, तो यूनिवर्स है 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, कितना 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यहाँ देखो यूनिवर्स है बच्चे कितना है, देखो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। और देखो यहाँ पे करे इस यूनिवर्स में क्या क्या चीज शामिल है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, कंप्राइजेस द यूनिवर्स, बहुत सारी गैलेक्सी मिलके बनाते हैं यूनिवर्स, मैं कुछ और का देखो, और गैलेक्सी में क्या होता है, गैलेक्सी में स्टार और क्लाउड होता है, तो क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, साथ साथ स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट और साथ साथ स्टार, ये मिला के बनाते हैं गैलेक्सी, यानी कि स्टार और क्लाउड ऑफ गैस ये मिला के बनाते हैं गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सी जब मिलती हैं तो बनाते हैं यूनिवर्स, माया। और हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, माया। देखो आगे, कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड स्पेक, कई बार बोल चुके हैं यूनिवर्स से कंपेयर में अर्थ छोटा सा टुकड़ा है। अगले हमारे बताया गया बिग बैंग थ्योरी, क्या बताया गया, बिग बैंग थ्योरी,
बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले जो ओरिजिन है यूनिवर्स की उसके बारे में ये थ्योरी बताती है। ठीक, क्या देखो, बिग बैंग मतलब होता है ह्यूज एक्सप्लोजन, इनके हिसाब से एक बड़ा सा धमाका हुआ। क्या हुआ? धमाका। ठीक है, इट टेक्स ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबली इन फिजिकल टर्म्स द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एनहेंस, और यूनिवर्स जो है लगातार क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। उससे क्या हुआ, कोई चीज जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कितना कितना था, 800 डिग्री के आसपास, कितना 800 डिग्री, बहुत ज्यादा सा टेम्परेचर था। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी गैसें, जरा देखो यहाँ पे गैलेक्टिक गैसें, हाइड्रोजन गैस थी, हीलियम था, फॉर्म सम टाइम लेटर। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, ये भी बने लेकिन बाद में बने। द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन, और गैस धीरे धीरे क्या हो गए, कंडेंस होना शुरू किए अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स की जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं कंडेंस फॉर्म में। इन द सोलर सिस्टम की बात करें, इन द सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी होता है, ठीक है, और उसकी बात करें, किसकी, अर्थ की बात करें, हम लोग किस में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में, कैसा है अर्थ, वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये बिलियन ईयर्स बैक को हम लोग बोलते हैं बाया, क्या बाया, ये बैक लिखा हुआ है। तो कह रहे 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, इसका मतलब ये हो गया जो अर्थ की ओरिजिन हुआ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुआ। ठीक है, और यूनिवर्स की ओरिजिन क्या, कोई बताओ, 20 बिलियन, कितना 20 बिलियन, और अर्थ कितना हुआ देखो 4.5, अभी 3.8 भी मिलेगा, आसपास का डेटा है अर्थ के बारे में। ठीक है, चलो आगे जाओ, कह रही कि वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्ली अर्थ, शुरुआत जो अर्थ था वहां पर कोई एटमोसफियर नहीं था, और मौसम कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन था ही नहीं उसमें। ठीक, देखो अरे वाटर वेपर्स थे, क्या क्या गैसें, जरा देखो यहाँ पे, अरे इसमें वाटर वेपर था, और क्या था, मीथेन था, और क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये है वाटर CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्या, मीथेन यानी कि CH4, और कुछ है, और है अमोनिया, चार गैसें थी, अमोनिया का रेशियो 1 है, बाकी सब 2 है, ये देखो, समझ गए, इन चारों में अमोनिया 1 के फॉर्म में, बाकी सब 2-2 के फॉर्म में। ठीक है, ये भी रेशियो आपसे पूछा जाता है, तो आप सिर्फ अमोनिया याद रखिए कितना है 1, बाकी सब कैसे है 2-2 है, चार गैसेस हैं H2O, CO2, CH4 और अमोनिया। ठीक है, अब आते हो आगे, एन अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस, इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्स की ओरिजिन कितने साल पुराना है, बताओ 20 बिलियन पुराना है, तो बाया बोलते इसको। दूसरी बात कह रहे हैं कि बहुत सारी जो गैलेक्सी मिलकर बनाते हैं क्या यूनिवर्स, तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें, ये कौन बनाता है, गैलेक्सी, गैलेक्सी कौन बनाता है, देखो ये बनाते हैं स्टार, और क्या बताओ, क्लाउड ऑफ गैसेस, और कुछ, और डस्ट, ये यूनिवर्स बनाता है गैलेक्सी, गैलेक्सी बनता है स्टार क्लाउड ऑफ डस्ट से। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ की ओरिजिन बता रहे हैं लगभग कितना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और उस समय जो मौसम था कैसा था, रिड्यूसिंग था, और वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या थे, अमोनिया थे, मैं ये सारी चीजें पाई जाती थी। बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये कहता है कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन से अलग अलग टाइप के प्लैनेट बन गए, माया क्या बन गए, प्लैनेट बन गए। यूनिवर्स की कोई डिफिनेशन नहीं है प्रेजेंट टाइम में, माया यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्रह्मांड। आगे आ जाओ, ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है, कितना बहुत बड़ा है ये। ठीक है, उसकी ओरिजिन हुई 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब आ जाओ आगे, देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे देयर वॉज नो एटमोसफेयर अर्ली अर्थ, यानी कोई एटमोसफेयर नहीं था, वाटर वेपर्स, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर द सरफेस, अल्ट्रावायलेट रेस
फ्रॉम द सन ब्रोकन वाटर इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो वाटर को तोड़ देगी, किसमें देखो किस तोड़ेगी, यहाँ देखो कह रही कि जो ब्रोक अप द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एंड द लाइटर हाइड्रोजन, जो जो हाइड्रोजन होता है इसकेप ये उड़ जाएगा, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया, ऑक्सीजन अमोनिया से कंबाइन कर जाएगा और मीथेन से कंबाइन कर जाएगा, क्या क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। मैं आगे देखो द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, इस तरीके से क्या बना, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ओजोन का फॉर्मेशन हो गया तो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आना बंद हो गया, ठीक है। अब करें यहां पे द ओजोन लेयर वाज फॉर्म एज इट इज कूल्ड, द वाटर वेपर्स फेल्स एज रेन, जो वाटर वेपर्स थे वो उड़ गए ऊपर और बारिश के फॉर्म में ये गिरे नीचे, और इस गिरने से क्या हुआ, ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन, और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े महासागर बन गए, बारिश हुई पानी भर गया, पानी भर के बहुत सारे महासागर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे सागर महासागर, लाइफ अपीयर्ड। याद अब करिए जो लाइफ की ओरिजिन, अभी तक हम लोग कर रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, गैलेक्सी के बारे में, फिर जो लाइफ की ओरिजिन हुई कब, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर माया, इसको बोलते हैं 500 माया, ठीक। तो लाइफ की ओरिजिन कब हुई, 500 माया में फॉर्मेशन ऑफ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, कितना 4 बिलियन ईयर्स बैक भी बोल सकते हैं, तो 500 माया या 4 बिलियन ईयर्स बैक भी बोल सकते हैं, किसकी, लाइफ की ओरिजिन। यूनिवर्स ओरिजिन कितना बताया है, 20 बिलियन, अर्थ कितना बताया है, 4.5 बिलियन, और लाइफ को कितना बताया है, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन बाद, या कह सकते हो 4 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। आगे देखो, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, कुछ लोग कहते हैं कि किसी दूसरी प्लैनेट से लाइफ आया धरती पे। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ सेल लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्या बोलते हैं, स्पोर, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्पोर के फॉर्म में लाइफ आया, वह ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट, स्पोर जो लाइफ हुआ स्पोर के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे पहुंच गया इंक्लूडिंग अर्थ, तो लाइफ जो है स्पोर के फॉर्म में आया और अलग अलग प्लैनेट पे स्पोर के फॉर्म में लाइफ गई, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पैन स्पर्मिया थ्योरी, क्या बोलते हैं, पैन स्पर्मिया थ्योरी, और देने वाले थे कौन, डार्विन। पैन स्पर्मिया थ्योरी किसने दिया, डार्विन ने बताया, और बताया जो लाइफ आई वो स्पोर के फॉर्म में आया, ये स्पोर अलग अलग प्लैनेट पे पहुंच गए और उनसे नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। देखो इट इज स्टिल फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ द डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, कुछ लोग ऐसे मानते थे कि जो लाइफ कहाँ से आया, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से आया, जैसे कि स्ट्रा, भूसा, मड, कीचड़, उनमें एक्सपेरिमेंट था फ्रांसिस्को रेड्डी का, बहुत सारे साइंटिस्ट, फ्रांसिस्को रेड्डी उन्होंने इस पर किया क्या था, उन्होंने दावा किया था कि अगर मान लो कि जो एक पसीने से भीगी कमीज को भूसे के अंदर रख दो तो उसमें कुछ दिन बाद चूहे पैदा हो जाते हैं, उसी में मैं कुछ चूहे पैदा हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, या मिट्टी में चूहे पैदा हो जाते हैं, मिट्टी लेके जाओ उसको रख दो तो कमरे में, वहां पे चूहे पैदा हो जाते हैं अपने आप, ये मानते थे ऐसे फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट था। खैर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे और ये आपसे पूछा नहीं जाए, खैर दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, अपने आप हो गई, कैसे अपने आप हो गई, कुछ माया। अब देखो क्या है, लुईस पाश्चर की बात कर रहे हैं, अब लुईस पाश्चर ने जब लोगों ने ये कहा कि भाई लाइफ की ओरिजिन अपने आप हो गई, तो लुईस पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट किया। देखो लुईस पाश्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ हमेशा पहले से मौजूद लाइफ से ही आ सकती है, ठीक। आगे देखो, ही शोड दैट प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, अब क्या किया देखो, व्हाइल अदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, क्या मतलब देखो, इन्होंने एक कंटेनर लिया, देखो ऐसे एक कंटेनर है और यहाँ पे ईस्ट रख दिया, जो कैसे थे इनकी डेट्स हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है किल्ड ईस्ट है। और उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, बाहर से बैक्टीरिया आ गए, देखो बैक्टीरिया आ गए,
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्या नाम है जो किल्ड इसमें जो बैक्टीरिया है कहाँ से आए, बाहर से थे, बाहर से आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पैदा हो गए। अब देखो क्या है दूसरा, इसमें अगर बात करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ईस्ट रखा गया लेकिन यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाया उसमें, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या थे, बंद था, बाहर से कोई नया एग्जाम आ नहीं पाया, यहाँ बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन जल्दी जैसे इसको ब्रेक किया गया, जैसे इसको ब्रेक किया गया मतलब इस वाले कंडीशन में, ये देखो तुरंत यहाँ क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने आप होता यहाँ भी आना चाहिए था बैक्टीरिया को, इसका मतलब अपने आप तो नहीं हुआ, बाहर से जो आए थे वही यहाँ पे बैक्टीरिया आ गए थे। मतलब किसको सपोर्ट कर रहा है, तभी उन्होंने बताया कि लाइफ कहाँ से आ सकती, पहले से मौजूद लाइफ से ही आ सकती है, पहले बैक्टीरिया थे एटमॉस्फेयर में उससे यहाँ पे आ गए, उस बात में। इसको बोलते हैं स्वान नेक टेस्ट, बोलते हैं स्वान नेक, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो किया था किसने, पास्टर ने, किसने किया था, पास्टर ने। कोई दिक्कत आपसे क्वेश्चन क्या पूछे कि पास्टर के हिसाब से क्या डेफिनेशन है लाइफ की, क्या बताओगे, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से मौजूद लाइफ से ही लाइफ दूसरी आ सकती है, अपने आप नहीं आ सकती। इस तरीके जो ऑटोबायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट था, लाइफ अपने आप प्रोड्यूस होती है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, अपोजिट यानी विरोध कर दिया। मैं अब देखो क्या पे, फिर आपसे पूछे कि पास्टर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बताओगे जो ईस्ट किल्ड ईस्ट पे काम किया था, ठीक है, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखाया। अब देखो आगे, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, व्हाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, स्पॉन्टेनियस जेनेसिस थ्योरी वाज डिसमिस। इस तरीके से जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी उसको डिसमिस कर दिया गया, किसके एक्सपेरिमेंट के बाद, पास्टर के एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। यानी कि वंस एंड फॉर ऑल, हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ कम फ्रॉम अर्थ, लेकिन ये इस बात का आंसर बिल्कुल नहीं देता है। आप ये कह रहे हैं कि लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से आता है, अब सवाल जो पहले सबसे पहले जो लाइफ आई वो कहां से आई, बस मैं कुछ ये जो है इसके पास्टर साहब जवाब नहीं दे पाए। आप तो बात सही कह रहे हैं कि पहले से मौजूद लाइफ से दूसरी लाइफ बनती है, अब सवाल ये कि जो पहले से जो लाइफ है वो कहां से आई, सबसे पहली लाइफ कहां से आई, ये मतलब था, यानी इसके बारे में कोई आंसर नहीं दिया। दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म कम ऑन अर्थ। तो अगर आपसे पूछे कि जो पास्टर का एक्सपेरिमेंट है वो क्या चीज नहीं बताता है, तो पहली लाइफ कब आई इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ठीक। खैर ये सारी बात चलती है, हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ कम फ्रॉम, ये पूछ सकता है कि इसमें क्या खामियां हैं, किसमें, पास्टर के एक्सपेरिमेंट में। तो खैर ये सारी चीज चलती रही, बहुत सारे कुछ लोग जिसने मुंह उतनी बातें करते रहे, लाइफ ऐसे बनती है, चूहे से बनता है, बिल्ली से बनता है, बंदर से बनता है, बहुत सारे, कुछ लोगों ने कहा बिच्छू से लाइफ बन जाती है, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो ब्रह्मा है उनके सर से पैर से तब बने, तो बहुत सारी थ्योरी है, वो सब आपके सिलेबस पे है भी नहीं, उसके बारे में डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, बाय द वे यहाँ पे आपको याद रखना किसका ये पैनस्पर्मिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, डार्विन ने। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैनस्पर्मिया जो स्पोर है, लाइफ स्पोर के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट चले गए, वहां फिर लाइफ का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है। और बिग बैंग हाइपोथेसिस क्या था बताओ, क्या था, एक्सप्लोजन हुआ, उसी एक्सप्लोजन से डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट बन गए, क्या बन गए, प्लैनेट बन गए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आता है सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं यहां से आते हैं, देखो ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ओपेरिन और हेल्डन, ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट देखो, यहां देखो ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड। तो ओपेरिन कहां रहने वाले बताओ, हेल्डन रशिया के, और हेल्डन कहां के थे, इंग्लैंड के। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बताया कि जो लाइफ आता है वो कहां से आता है, नॉन लिविंग से आता है, कहां से आता है, नॉन लिविंग। इससे पहले क्या बता रहे थे, लाइफ अपने आप बन जाता है ऑटोबायोजेनेसिस, फिर क्या बताया कि लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से आता है, लुईस पाश्चर ने बताया। अब ये भाई साहब बताया कि जो लाइफ होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, ऑर्गेनिक मैटर से आता है, तो ये बात काफी हद तक सही भी है,
बायोमार्कर हमने पढ़ा चुके हैं आपको पूरा, याद करिए। जो हमारे बॉडी में कंपोनेंट पाए जाते हैं उसमें कहाँ पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है, इसमें बताया था आपको। हाँ, उनका अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है, वैसे ही बात कर। देखो कह रही कि इन्होंने पूरा इनका जो एक्सपेरिमेंट था पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनका नहीं था। माया इनके जो सपोर्ट किया था एक दूसरे साइंटिस्ट आएंगे, इनका नाम है स्टैनले मिलर। क्या? स्टैनले मिलर, ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। यहाँ देखो कह रहे प्रेसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ये जो लाइफ बना है वो केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने कहाँ से? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। द कंडीशन ऑन अर्थ वाज, अरे उस समय धरती की कंडीशन क्या थी? देखो हाई टेम्परेचर था, कितना बताया मैंने, है ना 100 डिग्री पे क्या हालात होते थे, तो 800 पे क्या होता होगा? नहीं, वोल्केनिक स्टॉर्म, है ना, ज्वालामुखी से टूटते रहते थे, फूटते रहते थे, है ना। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था, और क्या था? देखो मीथेन, अमोनिया, ये सब गैसें थी, एक्सेट्रा लगा, मतलब कौन कौन सी है, CO2 और वाटर। क्या थी इसमें? CO2 भी थी और क्या थी? वाटर वेपर। अब क्या रहे यहाँ पे? तो ये तो एक्सपेरिमेंट बताया था किसने? AI ओपरिन, ओपरिन और हेल्डन ने, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट दिया नहीं था इसका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके इसको नहीं बताया गया था, तो एक्सपेरिमेंट करके बताया किसने? स्टैनले मिलर ने। और एक्सपेरिमेंट कब किया? देखो इन 1953 में स्टैनले मिलर, SL मिलर, और क्या थे? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल्स, जैसा ओपरिन और हेल्डन ने बताया था कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, ये सारी गैसें होंगी, हाई टेम्परेचर होगा, बस मैं कुछ उस सारी कंडीशन को उन्होंने लैब में बनाया। मैं देखो क्या हुआ फिर, लेबोरेटरी स्केल्स कंडीशन, सिमिलर कंडीशन इन ए लेबोरेटरी स्केल, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और वहां पर टेम्परेचर के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया इन ए क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग क्या क्या कौन से? देखो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर। एक चीज और देखो यहाँ पे CO2 नहीं दिया गया, देखो दिखा, मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया और वाटर वेपर है, कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे कि पहले मानते तो वहां पर हाइड्रोजन है, लेकिन स्टेनले मिलर में CO2 नहीं है, क्या है? मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया और वाटर वेपर। टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, इससे फॉर्मेशन किस चीज का हुआ? अमीनो एसिड का। और आपको पता है अमीनो एसिड क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन लाइफ लगभग होता है कि ना, देख है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, और शुगर का फॉर्मेशन भी हुआ, नाइट्रोजन बेस भी कुछ बने, नाइट्रोजन मतलब क्या, एडेनिन गुआनिन, है ना, न्यूक्लिक एसिड, पिगमेंट कुछ बने, कुछ फैट बने। एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड, इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। और ऐसे ही प्रोसेस जो है, जो उस समय, क्योंकि उस समय तो कोई था नहीं जो एक्सपेरिमेंट करें, ऐसे ही प्रोसेस पहले हुआ होगा। विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्चर स्टोरी दैट केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड, और इस तरीके से इस ये वो कॉन्सेप्ट था इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, केमिकल इवोल्यूशन। जो ओपरिन और हेल्डन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी बोला जाता है। मैं ध्यान रखिएगा कि केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया, तो किसे बताओगे? ओपरिन और हेल्डन ने, ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबोलाइट मेटाबोलिक्स, ठीक है, कैप्सूल ऑफ लाइफ रोज, कोई आइडिया नहीं कि पहली लाइफ कब बनी। द फर्स्ट नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ, यहाँ देखो तो पहली नॉन सेलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी वो कैसी थी? ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स बैक, तीन बाया में बनी, कितना? 3 बाया। पहली जो नॉन सेलर लाइफ बनी कितना? 3 बिलियन ईयर्स एगो बैक। कह रहे कि दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल, कई बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कौन से? आरएनए हो गया और प्रोटीन हो गया। तो पहले नॉन सेलर लाइफ कब बनी? 3 बाया। यूनिवर्स का ओरिजिन कितना हुआ? 20 बिलियन। और अर्थ की ओरिजिन कितना? 4.5 बिलियन, है ना। पहली सेलर फॉर्म का भाई 500 मिलियन ईयर्स बैक, है ना। इस सारी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे, इसमें डेटा ज्यादा है काफी। ये देखो एक्सपेरिमेंट है, इधर देखो, इधर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज किया था जिससे टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, यानी इलेक्ट्रिसिटी को डिपेंड करता है ये, उसमें बादल जो है गड़कते थे बहुत तेज। यहाँ देखो इस पार्क डिस्चार्ज लिया था, इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया था, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ देखो, और गैसेस कौन कौन से थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन, CO2 यहाँ पे नहीं है, ये वैक्यूम पंप है, सब कुछ खास नहीं है, बॉइलिंग वाटर है। कुछ पार्ट पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें पाए जाते हैं। आगे देखो लिक्विड वाटर इंट्रैप, यहाँ पे लिक्विड वाटर दिया गया है, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वाटर इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है, वाटर ड्रॉपलेट वाटर इन के लिए कंडीशन यहाँ पे लगाया गया। खैर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है, और टेम्परेचर कितना था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा कब किया, किसने किया, क्या क्या मिलाया, क्या क्या मिला। These capsules produce their molecule, perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. ये पहली जो cellular form life है, वो 2000 million ago हुई। माया, नहीं, 2000 मालिक मतलब क्या है? तो पहली जो life कब आई देखो, यहाँ देखो। यानी कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर एनवायरमेंट ओनली, जितनी भी लाइफ हुआ उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, वाटर में। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग ए मॉलिक्यूल एंड इज एक्सेप्टेड बाय द मेजोरिटी। मतलब ये कहने मतलब है कि पहले जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे, इनऑर्गेनिक से बने क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट बने, इन्हीं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, और धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन करने के बाद और भी एडवांस एनिमल यहाँ पे बनते चले गए, इसी बारे में बताया गया। हाउएवर वंस फॉर्म द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोस्ट्रक्चर ऑफ टुडे इज द स्पेसिफिक स्टडी दैट विल डिस्कस बिलो। मतलब ये कहने मतलब है कि प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं उन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन होता गया, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी, इसके बाद में देखो क्या करें। कुछ किताबें हैं जैसे बताया गया है कन्वेंशनल लिटरेचर थ्योरी, खासकर यहां जो बताया गया है वो बाइबल के बारे में बताया गया है ना, देखो क्योंकि ये पूरा लिखा वहीं पे है। यानी कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्या मतलब इसका, स्पेशल क्रिएशन का मतलब होता है कोई अवतार नाम का कोई चीज होता है, ठीक है, किसी ने उतार लिया इस टाइप का, यानी कि रिलीजियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी कि कोई शक्ति हो, कोई ताकत, इसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। क्या देखो दिस थ्योरी हैज थ्री कनोटेशन, इसके तीन आशय हैं, कनोटेशन मतलब आशय या भावार्थ या अर्थ। क्या देखो क्या बच्चे उसमें, वन दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या कह रहे हैं देखो, पहला क्या देखो, वन दैट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप That we see today were created as such. जो हम आज देख रहे हैं वो ऐसे ही थे पहले से ही, जो आज देख रहे हैं वो वैसे पहले से भी थे। पास में कुछ और क्या करें देखो, दूसरा क्या देखो, यानी कि that the diversity was always the same since creation and will be the same in future. कि diversity जैसा हम आप present time में देख रहे हैं ऐसे ही कहाँ थे, पहले भी थे और आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेगा। जबकि आप देख रहे कितनी सारी ऑर्गेनिज्म जो है इस समय गायब हो गई, डायनासोर है नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज में विलुप्त हो चुके हैं। इन्हीं कहने मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म पहले थे वैसे आज भी रहेंगे, और आज भी हैं और आगे भी वैसे रहेंगे, जबकि ये बात सही नहीं है, बहुत सारे प्लांट विलुप्त हो चुका है ना। देखो दो पॉइंट हो गया, तीसरा देखो, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स, ये जो अर्थ होता है वो 4000 साल पुराना है, अभी बताए थे इससे पहले 4.5 बिलियंस पुराना, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है 4000 साल पुराना है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है लिटरेचर में लिखा हुआ है, ठीक। देखो आगे कह रहे कि ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, इस किताब में जितनी भी बातें लिखी हुई है उस समय जो साइंटिस्टों ने चैलेंज किया कि जो भी चीजें लिखी हुई है सब बेकार है, ये गलत है, पता है कुछ है। कह रहे कि ऑल दीज आइडियाज वर्स हो गया यहाँ पे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग ए सी वियोग इन ए सेल शिप कॉल्ड द HMS बीगल, एक जहाज का नाम है क्या HMS बीगल, ठीक है,
एचएमएस बीगल, दिस नॉट ईगल, दिस इज बीगल। और एक बार इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी कि डार्विन ने जिस जहाज पे ट्रेवलिंग किया था उसका नाम क्या है, क्या बताओगे? एचएमएस बीगल, जस्ट लाइक टू, उसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? टाइटेनिक, ठीक है, एचएमएस बीगल, बीएमएस बीगल, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो क्या देखो, एचएमएस बीगल, और इसी पे डार्विन ने सबसे पहले ट्रेवलिंग किया था, उसमें डार्विन थे 21 साल के। यहां देखो, राउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की यात्रा की, टास डार्विन कंक्लूडेड दैट, और पूरी जब यात्रा करके आए, ठीक है, तो वास्तव में ये क्या थे, 21 साल के थे, और ये कॉलेज के मतलब स्टूडेंट थे, यहाँ पे जाते थे। तो अंग्रेज का पहला कॉन्सेप्ट ये था कि वो लोग डायरेक्टली ऐसे कहीं जाते भेजते नहीं थे। किसी कंट्री में अगर मान लो कुछ पता करना होता है कि इस किस कंट्री में कितना खजाना है, तो वो फिलोसोफर के फॉर्म में, साइंटिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि इन लोग कोई मना करता नहीं है, ठीक है, कोई धार्मिक बाबा बना के, भाई ये वहां से आए, बहुत महापुरुष है, इनकी आशीर्वाद सब कुछ हो जाता है, वो लोग जाते थे उस कंट्री में और वहां पे पता करते थे कि भाई यहाँ पे ये कंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत ढेर सारा खजाना है, आ जाओ। इस हिसाब से चलते थे, कई सारी कंट्री में लोगों ने ऐसे किया, धीरे धीरे लोग, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, उस कंट्री पता चल गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे बढ़िया सा है, रिसोर्सेज अच्छा है, पैसे बहुत है, खजाना बहुत है, तो पहले याद डायरेक्ट तो आ नहीं सकते कि लूट ले जाएंगे, वो अपना बिजनेस शुरू करते थे, और बिजनेस करते 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 तो कब्जा करते करते पूरा उस पर अपना कंट्रोल कर लेते थे। इंडिया में कैसे आए थे अंग्रेज, बिजनेस करने आए थे, और करते करते धीरे धीरे करके पूरा उस पर कंट्रोल में कर लिया अपने। उसमें आया, ये अंग्रेज की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई दूसरा भी कर सकता है, जो किसी भी कंट्री के रिसोर्स को पहले अपना खरीदे, जैसे आप देखिए इसमें खरीदा जा रहा है, खरीदने के बाद धीरे 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 अपने कंट्रोल में कर ले, तो आप उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बस मैं कुछ वैसे अंग्रेज करते थे। तो ये भाई साहब घूमते थे, इनको पकड़ लाया, पहले ऐसा है कि तुमको घूमने को मिलेगा और गवर्नमेंट से पैसा अलग से मिलेगा, तो क्या करना होगा, जाओ बाहर घूम के आओ, बैठा दिया इनको, और कोई पूछे बता देना कि मैं साइंटिस्ट हूँ, घूमने आया हूँ मैं, और यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वाला लगाओ एग्जाम पे भेज दिया। तो जब ये गए घूम घाम आए, हालांकि के पास ज्ञान भी बहुत था, नॉलेज बहुत था, ठीक है, घूम के आए तो वहाँ पे चिड़िया देखा, बहुत कुछ देखा यहाँ पे। उसके बाद जब ये घूम के आए तो इनको पता तो कुछ था नहीं, अब इनको दिमाग में ये था कि जब यहाँ से हम जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई साहब क्या सीखा आपने, क्या रिसर्च किया, तो कुछ नहीं था इनके पास। तब इन्होंने क्या किया, एक बुक थी माल्थस का, उन्होंने उस पर पढ़ डाला पूरा, ठीक है, पूरी किताब को पढ़ डाला, और इन्होंने क्या बताया, पूरा जो है माल्थस के जो कॉन्सेप्ट थे, माल्थस पहले लिख चुके थे, उसी कॉन्सेप्ट लोगों को सामने बता दिया, क्या कि पॉपुलेशन कहीं आग जम होता है, उसमें कैसे कैसे चेंजिंग आता है, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, सारी बता दी। फिर माल्थस साहब इनके पास पूछे कि सर आप घूम के आए हैं, बताइए क्या क्या है। माल्थस के एक्सपेरिमेंट को उन्होंने माल्थस के सामने ही बोल दिया। फिर वाह भाई वाह, सरप्राइज हुई, तो हम भी सोच रहे थे, उनको क्या पता उनके कॉन्सेप्ट था, बस मैं कुछ तो ऐसा थे डार्विन, चलाक थे ही। खैर देखो, फिर माल्थस जो एक्सपेरिमेंट है वो मिलता जुलता है, ऐसे आप देखोगे फिजिक्स में जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट गैलीलियो से मैच करेगा, समझा, न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट गैलीलियो से मैच करेगा, यूं कहे कि गैलीलियो का ही कॉन्सेप्ट है न्यूटन ने दिया है, बात में कुछ अलग बात है, गैलीलियो साहब चले गए, उनको निपटा दिया गया, फाइन लगा दिया था, अदरवाइज बोलते कि भाई साहब ये मेरा है ना। खैर कोई बात नहीं है, देखो कह रहे कि यहाँ पे देखो, चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज टू वेरी डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। कह रहे जो आगजम पाए जाते हैं उनमें आपस में सिमिलरिटी पाई जाती है, हाँ कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं लेकिन सिमिलरिटी भी उसमें होती है, ठीक है। जैसे एक चिड़िया के बारे में बताया, देखो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज टू वेरी डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। यानी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी आगजम ऐसे भी जो प्रेजेंट टाइम में इसमें मौजूद नहीं है। देयर बैट देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज ए न्यू फॉर्म लाइफ रोज एट ए डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये कहने मतलब है बहुत सारे ऐसे आगजम जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद नहीं है वो खत्म हो गए, और बहुत सारे ऐसे आगजम जो पहले नहीं थे अब वो आ चुके हैं। देखो देयर हैज बिन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, इस तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ पे जो लाइफ है उसका फॉर्मेशन हुआ है। खैर यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास अभी नहीं है सिवाय इसके कि जहाज का नाम याद रखिएगा, कौन सा,
HMS Beagle. It's not tightening. Yahan dekho aage. Here it has built a variation is characteristic. Those characters which enables some to survive better in natural condition, climate, food, physical factor, would outbreed other that are less endowed to survive under such natural condition. मतलब क्या है कि जो करेक्टर एटमोसफेयर में होते हैं, आदमी जहां पर रहता है, जिस एटमोसफेयर में रहता है, उसका उस पर क्या होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो वैसे हो जाता है. बस मैं उसी के बारे में बात करें. और साथ साथ वो अगर कई जनरेशन तक वहां रहता है तो उसमें उसी हिसाब से बदलाव भी आते हैं, वो जेनेटिक भी हो जाता है. जो एटमोसफेयर करेक्टर होते हैं वो जेनेटिक भी जाता है, आने वाले संतान में भी पहुंच जाता है. देखो आगे कह रहे कि अनदर वर्ड यूज टू फिटनेस इन दैट इंडिविजुअल. एक वर्ड यूज किया गया फिटनेस. यहां देखो ये फिटनेस कॉन्सेप्ट दिया गया था डार्विन के द्वारा. देखो बार बार आएगा ये, कहां गया. देखो फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर टू अल्टीमेटली ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस. डार्विन के हिसाब से फिट कौन है. ऐसे ऐसे आप जाओगे तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है ना. जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपकी पूरी जांच हो जाती है, पता है नहीं पता है. खून की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब किया जाएगा आपका. कोई आपके अंदर बीमारी तो नहीं है. पेशेंट को देखने गए, खुद निपट गए, है ना, बीमार पड़ गए, इसलिए पहले से पूरा आपका जांच होगा मेडिकल में. हालांकि अलग बात है मेडिकल में किसी को निकाला वगैरह नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ पूरी जांच होती है ताकि ऑलरेडी पहले से पता रहता है, आपको बता दिया कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, कोई स्टोन बन रहा है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको आपको बता दिया कि इसको आप ट्रीटमेंट करा लो. बस मैं कुछ तो ऐसे ही एज ए फॉर्मेलिटी होती है. क्या हुआ, क्या हंस रही हो, अब कब आओगे ये बताओ पहले. कब आओगे, अब कब आओगे, कौन सा पेपर. अरे वाह क्या बात है, इधर बात नहीं करो. क्या देखो यहां देखो इधर. हु आर बेटर फिट इन द एनवायरमेंट. यहां देखो इधर बात नहीं, ये तो बात कितना करते हो. इधर सुनो, तो जो अगर आपसे पूछे कि फिटनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या बताओगे, डार्विन ने. और डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मतलब जितने भी आगजम इस धरती पे हैं, ठीक है, उस आगजम में सबसे फिट उसी को बोला जाता है जिसके बच्चे बहुत सारे होंगे. बस मैं क्या हो गया, बच्चे बहुत सारे होंगे, ठीक, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस. और सुनो इधर बात नहीं करो, बच्चे बहुत सारे हैं और उन बच्चों के भी बहुत सारे बच्चे हो, ठीक है, ऐसे अगर बच्चे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो उसको बोले रिप्रोडक्टिव फिट है वो. यहां देखो, दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट हैव मोर प्रोजेनी एंड द अदर्स, ठीक है, और वो क्या होता है, बच्चे ज्यादा होंगे तो क्या होगा, देखो उसमें उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन जब होगा तो लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, उसमें जीतेगा वही जो स्ट्रांग होगा. दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया. देखो क्या हो गया, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं. देखो इधर कह रहे उसके बच्चे बहुत सारे होंगे देन अदर, कह रहे दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर. और नेचर उसी को सिलेक्ट करता है, क्या करता है, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है. हाँ देखो ये कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन. उन्होंने इसको क्या बताया, नेचुरल सिलेक्शन. पास में कुछ जो समय के हिसाब से, टाइम के साथ नहीं चलता, वो नेचर उसको सिलेक्ट नहीं कर पाता, वो पीछे हो जाता है. याद देखो एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. और इसी को इवोल्यूशन में इसका यूज किया गया. लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वैलेस, एक और थे यहाँ पे अल्फ्रेड वैलेस, और क्या थे ये, नेचुरलिस्ट थे. हु वर्क ऑन मलाय आर्किलोजो, एक यहाँ पे था एरिया, had come to similar conclusion around the same. और जो एक जो वैलेस थे, अल्फ्रेड वैलेस, ठीक है, अल्फ्रेड वैलेस की चीजों से भी सिमिलरिटीज, यानी कि डार्विन जो कॉन्सेप्ट था वो अल्फ्रेड वैलेस से मैच करता था. समझ गया इसका मतलब क्या है, वो अल्फ्रेड वैलेस के बुक को भी पढ़ चुके थे और पढ़ पढ़ के वो सब बता रहे थे, तो काफी खुश हो गए, कम से कम कोई तो जो मेरा सपोर्ट कर रहा है. कौन बोल रहा था, डार्विन. डार्विन सुना है कुछ,
और उनको क्या पता उन्हीं कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, ऐसा भी कह रहे हैं देखो आने वाले समय में भी, आने वाले समय में आपको और भी अलग अलग टाइप के जानवर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखो ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, हाउएवर दीज एंसेस्टर वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ इपोक पीरियड एंड एरास। द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ए कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एज वाज थॉट एंड बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। यानी 4000 साल पुराना नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। कौन अर्थ मैं कुछ अब देखो क्या है, क्या अब समोसे खाने का टाइम जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। अरे देख लो मेरी बात सुनो, मेरी अरे मेरी बात क्या हो रही है बोल दो, क्लास में है वो तो 10 मिनट बाद आएंगे, आप जाओ जाओ मैं चाह रहा जाओ, बस 10 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट बाद मुश्किल से घड़ी देख लो, 10 मिनट ज्यादा पढ़ा तो कहना बोल दो ना, तो आप चले जाओ फिर रिकॉर्ड देख लेना फिर। और किसी जाना है? देखो मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा, आप लोग थोड़ा काफी लेट स्टार्ट भी हुआ था है ना, बस 10 ज्यादा नहीं 10 मिनट देख लो देख लो सुनो दर। अरे हमने इसने से बता दिया यहाँ पे कि रिवोल्यूशन ऐसे होता है, बात नहीं करो है, जिसको जाना बात नहीं करे बस चुपचाप निकल जाए, दरवाजा खुला है। आप कह रहे हैं यहाँ पे इधर देखो बात नहीं करो, कह रही कि लाइफ ओरिजिन जो हुआ ये तो सारी चीज हो गई, अब सवाल है कि हम कैसे मान लें कि वास्तव में किससे फंक्शन क्या हुआ था, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए प्रमाण चाहिए, क्या चाहिए प्रमाण एविडेंसेस चाहिए कि वास्तव में लाइफ की ओरिजिन किस चीज से हुआ है बस में, तो हम इसके लिए देंगे क्या एविडेंसेस, देखो प्रमाण क्या देखो करें कि व्हाट आर एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, एविडेंसेस दैट इवोल्यूशन लाइफ फॉर्म हैज इनडीड टेक प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर, बहुत सारे टाइम लगा इसमें फॉसिल। यहां देखो सबसे पहले देखो जैसे मानो डायनासोर की बात कर रहे हैं, क्या डायनासोर को आदमी ने देखा? नहीं देखा, 65 माया में डायनासोर गायब हो गए, 65 माया में ही डायनासोर गायब हो गए थे। तो अब सवाल है कि डायनासोर पर इतनी सारी मूवी बन चुकी है ना, तो कैसे वो पता चला उसका फॉसिल से, क्या है उसके फॉसिल मिले। यहां देखो करेंगे फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन ए रॉक, चट्टानों में फॉसिल मिले, उन फॉसिल की मदद से बहुत सारे आग्नेय बायोमेट्रिक की गई, रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर। कहने मतलब ये हो गया जो चट्टाने होती है ठीक है, उन चट्टानों के नीचे जब चट्टानों खुदाई की गई है बहुत सारे फॉसिल मिले हैं, उस फॉसिल को देख के उसकी कार्बन डेटिंग करके ये पता किया गया कि कितने साल पुराना है, और ये जो आग्नेय इसको बनाया जाए तो किस टाइप का बनेगा, तो फॉसिल के बेस पे जानवर को बनाया गया है। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट, यानी कि सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी हैं जो आपसे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटी शो करते हैं, जैसे आप देखो डायनासोर के जो मुंह देखोगे कैसे मैच करता है प्रेजेंट टाइप के एनिमल से, टिपिकली से मिलता है मिलेगा। देखो अब करेंगे जैसे एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पे दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन सा है डायनासोर, स्टडी ऑफ फॉसिल डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, और ये जियोलॉजिकल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है कि किस कौन से समय में ये मतलब डेवलप हुए और कौन से समय में इनकी डेथ हो गई। That should show that life form varied over time and certain life form are restricted to a certain geological time. Hence, new forms of life have arisen at different time in the history of Earth. All this is called the paleontological evidences. याद देखो, fossils से जो evidences मिलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? Paleontological evidences. जैसे paleobotany, Birbal Sahni Institute है, लखनऊ यूनिवर्सिटी बगल में। इसका मतलब जो fossil होते हैं, उनका study क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी, क्या बोलेंगे पैलेंटोलॉजी। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल आर कैलकुलेटेड,
जो फासिल होता है उसके कैसे करते हैं, डू रेगुलेट द मेथड ऑफ रेडियो टू डेटिंग, इसको बोलते हैं क्या, रेडियो डेटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ बिहाइंड द प्रोसीजर, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग होता है, क्या होता है, कार्बन डेटिंग होता है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग के बेस पे हम लोग इसकी क्या पता करते हैं, एज पता करते हैं, बस में। तो पहला जो यहाँ पे है इविडेंसेस कहाँ से है बच्चे, पैलेंटोलॉजी से, तो नंबर वन हो गया यहाँ पे इविडेंसेस फॉर्म पैलेंटोलॉजी। ठीक है नंबर वन, नंबर टू देखो, ठीक है नंबर टू ये हम दे रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है और ऑर्गेनिज्म किस टाइप के थे। अब दूसरा एविडेंस सुनो, इम्ब्लास्का सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अब जो इम्ब्लास्का सपोर्ट कर रहा है किसको, इवोल्यूशन के, वास्तव में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है। देखो यहाँ पे वाज आल्सो प्रपोज बाय अर्नेस्ट हैकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। मतलब क्या है, यानी कुछ स्टेज ऐसी चलती है जो एम्ब्रियोलॉजी में चलती है, और कह रहे हैं वर्टिब्रेट की जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सबकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन एक जैसी होती है, पास में कुछ एम्ब्रियोलॉजी कैसी होती सबकी एक जैसी, शेर चीते ठीक है आदमी घोड़े गधे जितने भी होते हैं सबका अगर देखोगे, अगर आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखोगे तो सबके सबको फीचर एक ही जैसा दिखेगा, सबका एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक ही जैसा दिखाई देगा। अगर एम्ब्रियो कंडीशन में देखोगे तब एडल्ट की बात नहीं करें जो कि एडल्ट में नहीं दिखाई देते, भाई एडल्ट में घोड़ा अलग दिखाई देगा एलिफेंट अलग दिखाई देगा, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखोगे तो सबके सब सिमिलरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, क्या कह रहे देखो, जो एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, कितने होते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट, सिक्स पेयर, टू पेयर, छह थे दो पेयर थे यानी कि बारह, कितने बारह, याद के पीछे बताया था गिल स्लिट, फोरेंसिक गिल स्लिट पाया जाता है जितने वर्टिब्रेट होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड के जस्ट पीछे, बट इट इज ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन द फिशेस, तो गिल स्लिट तो सब में पाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम याद है, वहां पर गिल स्लिट के बारे में बात किया था, लेकिन कह रहे कि उस गिल स्लिट का जो फायदा है सिर्फ एक ही ऑर्गन मिलता है, किसको, कह रहे कि किसमें होता है, फिश में, जो फिश में होता है, जो फिश होती है मछलियां गिल की मदद से क्या करती है, रिस्पायरेशन, एंड नॉट फाउंड एनी अदर एडल्ट वर्टिब्री, जो अदर दूसरे जो एडल्ट वर्टिब्रेट होते हैं उसमें नहीं मिलते हैं। हाउएवर दिस प्रपोजल वॉज डिसप्रूव ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय द अर्नेस्ट वॉन बीयर, यहाँ देखो ध्यान से, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बीयर, ध्यान सुनो, सबसे पहले बताया गया एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था अर्नेस्ट किसने, हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल ने ये बताया, इन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन देखोगे जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है जो कि एडल्ट में नहीं होता है। पास में कुछ, जैसा कि बताया गया कि मछलियों के बारे में बताया था, गिल स्लिट की बात कर रहे हैं, फ्रिंजर ग्लिट की बात कर रहे हैं, तो फ्रिंजर ग्लिट से जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं सब में पाया जाता है, लेकिन काम किसमें करता है, सिर्फ मछलियों में, पास में कुछ पाया सब में जाता है, काम किसमें करेगा, मछलियों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट उससे बताया जिनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बीयर, उन्होंने क्या बताया देखो, ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेट ऑफ द अदर एनिमल, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो कंडीशन होती है ठीक है, यानी कि नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ ए अदर एनिमल, दूसरे जो एनिमल होते हैं ठीक है उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एडल्ट स्टेज को रिपीट नहीं करता, यानी एडल्ट स्टेज के कोई सिम्टम नहीं आते हैं। भाई गिल स्लिट की बात कर रहे हैं, ये तो एडल्ट में है कि नहीं है, और काम भी कर रहा है। वन बी ने कहा है कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं एडल्ट वाले कोई क्रेटर नहीं आते हैं, तो जो बताया था अर्नेस्ट हैकेल ने उसका अपोजिट है कि नहीं है, उन्होंने तो मछली में बताया कि एम्ब्रियोनिक में होता है और साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं जैसे कि मछलियों में गिल स्लिट काम भी करता है, उसकी मदद से रिस्पायरेशन करता है, जबकि इन्होंने बताया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कभी ऐसा नहीं होता है कि जो एडल्ट कंडीशन पाया जाए और वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मिले, पास में कुछ, इनका मतलब ये कहने का है कि ऐसे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो एडल्ट स्टेट में पाया जाता हो और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मिले, कुछ माया, तो ये इनके जस्ट अपोजिट है, क्या है, अपोजिट,
ठीक है बस आपको छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या है, इसके ऊपर कुछ है तो ठीक है, नहीं छोड़ देते हैं, बाकी नेशन पर आ देंगे। सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुक जाओ बस, अरे और है क्या, छोड़ दो जाओ, बाकी नेशन करा देंगे। चली गई क्या, चली गई, बर्थडे मनाने आई थी,